मैंने जो डाबली को पुलिस जिला बनाने की मांग की थी जैसे हांसी की तर्ज पे, वो माने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से हमने एक निवेदन किया था। उस विषय को लेकर के सरकार उसकी फिजिबिलिटी के ऊपर पूरी कोशिश कर रही है। जैसे ही उनकी फिजिबिलिटी बन जाएगी और फिजिबिलिटी बनते ही वो अपने काम को पूरा करेंगे, हमें ऐसा भरोसा है। सर, क्यों जरूरत पड़ी है डबल सिटी? नहीं, इसका तो जरूर तो ऐसे है जी, पुलिस जितनी ज़्यादा हो उतना हमेशा लाभ होता है। हमारा ये भी मानना है कि हमारी जो डबली है ये पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान की भी सीमा यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर पे लगती है फाजिलका। और हमारा ये मानना है कि आजकल जो नशा, ये जो पंजाब राजस्थान साथ लगता है, ये नशे का भी इस बॉर्डर एरिया के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। पुलिस की कमी के कारण ऐसे लोगों को मौका भी मिलता है। और हमने ये समझा कि अगर पुलिस जिला बन जाए तो इससे अपराध भी कम होंगे, इसलिए हमने ये मांग को उठाया है। और हमारी जो मांग है, अगर उसकी फिजिबिलिटी बनी तो हमारी जो मांग है ये पूरी जरूर करेंगे। अगर उसके अंदर कोई कानूनी अड़चने हुई तो एक अलग बात है। 25 अगस्त को मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं, ये के बाद ये किसान के नाम से रैली का संबोधन करेंगे, क्या क्या मांगे आपकी मुख्यमंत्री से है? सर, हमने तो वो एक कहानी है, कहते मांगने वाले से वो कहो कि दूध में हाथ में छन्ना हो और पोता मेरे को पिलाता हो और कोठी में बैठ के मैं खाता हूँ। हम तो ऐसा प्रधान मांगना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से। हम एक बात की क्यों बात करें, हम तो मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आपका नाम रहेगा। इस इलाके के अंदर 6-6 बार मुख्यमंत्री बने, देश के बड़े बड़े पदों पर रहे, उन्होंने एक विकास का कार्य नहीं किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक इस इलाके को 750 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जो आज तक का इतिहास है, जो 60 साल में नहीं हुआ वो 3.5 साल में करके दिखा दिया। और हम तो मुख्यमंत्री जी को एक ही शब्द में कहा है कि ऐसा काम कर जो कि आपका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए डबली के अंदर। एक बात की बात क्या करें, पता नहीं कौन कौन से तोहफे देंगे। आप आने वाली 25 तारीख को देखना, जैसे किसानों ने अभी पानी का मुद्दा उठाया, जो भाखड़ा जो पंजाब से शुरू होती है और हमारे अबूब शहर तेल तक जो आती है भाखड़ा नहर, ये रास्ते के अंदर लीकेज है। हमारा लगभग 20-25% पानी वेस्टेज होता है, उसकी रिपेयर का काम, उसकी रीमॉडलिंग 100 करोड़ रुपया लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जो किसानों के नेता मसीहा होने का दावा करते थे, आज उनकी पोल सामने आ चुकी है। अगर मुख्यमंत्री मसीहा कोई, अगर कोई है हरियाणा में, तो वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है, जिन्होंने 100 करोड़ की परियोजना बना करके टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया।